हेलो गाइस, वेलकम टू अपनी क्लास चैनल। और आज जो अपडेट है वो टेट के उन अभ्यर्थियों के लिए है जिन्होंने अप्लाई किया। और आप जानते हैं टेट की डेट जो है नज़दीक आ रही है, लेकिन बोर्ड ने अभी अभी जो है वो एक नोटिफिकेशन जारी की है कि रिजेक्शन लिस्ट जो है वो कैंडिडेट की डाली है, जिनका जो है फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। अगर उनके पास कोई फीस से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंटेशन है तो वो ईमेल करें, भेजें बोर्ड को। तो वो सारी जानकारी आप देख सकते हैं, आप वीडियो में बने रहें, स्किप ना कीजिए। नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला और रांची 19/11/2020 की। तो एक इम्पॉर्टेंट अधिसूचना है। अधिसूचित किया जाता है कि हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा JVT, PGT, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, लैंग्वेज टीचर, शास्त्री, पंजाबी एंड उर्दू विषय के अध्यापक पात्रता परीक्षा जो कि टैट हेतु दिनांक 19/10/2020 से दिनांक 10/11/2020 तक ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगवाए गए थे। 8 विषयों की टैट परीक्षाओं के लिए कुल 44,317 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, उनमें से 41,808 आवेदन पत्र जो है परीक्षा शुल्क सहित प्राप्त हुए हैं, परंतु 2,509 आवेदन पत्र बिना परीक्षा शुल्क के पाए गए। उनका ब्यौरा जो है वो बोर्ड की वेबसाइट www.hpvos.org पर भी उपलब्ध है। तो उपरोक्त अभ्यर्थियों में से यदि किसी अभ्यर्थी ने टेट नवंबर 2020 के लिए पेमेंट गेटवे पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा या के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से निर्धारित तिथियों के अंतर्गत शुल्क जमा किया है, उनका नाम बोर्ड द्वारा जारी रिजेक्टेड कैंडिडेट लिस्ट में है। अगर ऐसे अभ्यर्थी अपने शुल्क का पूर्ण रिकॉर्ड ईमेल आईडी hpbose@gmail.com के माध्यम से बोर्ड कार्यालय के दिनांक 21/11/2020 जी हां ध्यान दीजिए 21/11/2020 तक प्रेषित कर दें, अन्यथा उनके इसके उपरांत किसी भी प्रकार के वापस शुल्क जो अपडेट नहीं किया जाएगा, परीक्षा में बैठने के पात्र वो लोग नहीं होंगे। और अधिक जानकारी के लिए आप बोर्ड के कार्यालय के दूरभाष नंबर 0189224-2192 पर संपर्क कर सकते हैं। तो ये लिस्ट जो है वो काफ़ी लंबी है, लगभग 2000 के करीब 122 पेज हैं। तो इतनी लिस्ट मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नीचे लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप लोग जो है वो सीधा ही अपना जो है रोल नंबर चेक कर सकते हैं, अपना नाम चेक कर सकते हैं कितने लोग जो हैं ये रिजेक्टेड लिस्ट में हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अपना अपडेट करें, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें और टैट दें, अन्यथा आप टैट नहीं दे पाएंगे। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि जल्दी से आप अपना जो भी फॉर्मेलिटीज़ रह गई हैं उसे पूरा करें और आप टैट देने के हकदार बने। सो जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो का लाइक जरूर करें। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।